मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। इस छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों से करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में रियल एस्टेट कारोबारियों के कई बैंक में अकाउंट और लॉकर की भी जानकारी विभाग को मिली है, जिसके बारे में जल्द ही इनकम टैक्स विभाग खुलासा करेगा। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई में करोड़ों रुपए और सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, वैसे ही बैंक अकाउंट और लॉकर में भी करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमार कार्रवाई इंदौर के 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के कई ठिकानों पर हुई है, जिनमें एस्टेट कारोबारी स्काई अर्थ के डायरेक्टर और हाई लिंक ग्रुप के वीरेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। इन दोनों के ठिकानों पर अचानक इनकम टैक्स विभाग की टीम और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान जहां स्काई अर्थ के डायरेक्टर के पास से करोड़ों रुपए मिले, वहीं हाइलिंग ग्रुप के डायरेक्टर वीरेंद्र गुप्ता के घर और ऑफिस से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान दोनों ही ग्रुप के कई अकाउंट्स और लॉकर की जानकारी हाथ लगी है, जिसे आईटी की टीम खंगाल रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी। इस कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन से अधिक अधिकारी मौजूद रहे। 80 से अधिक एसएफ के जवान कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे। जो अधिकारी इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे हैं, वो भी अलग अलग प्रदेशों के हैं। इंदौर के ये दोनों रियल एस्टेट कारोबारी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इंदौर के हाईलिंक ग्रुप के डायरेक्टर वीरेंद्र गुप्ता पहले एक पान की दुकान चलाते थे और उसके बाद वो रियल एस्टेट कारोबार में आ गए और देखते ही देखते शहर के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी बन गए और हाईलिंक ग्रुप के नाम से इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां काट दी। इनकम टैक्स विभाग को काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि कारोबारी ने इनकम टैक्स को इनकम से संबंधित गलत जानकारियां दी हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने करीब 20 दिनों तक इंदौर के दोनों रियल एस्टेट कारोबारियों के बारे में जानकारियां खंगाली और उसके बाद एक के बाद एक दबिश को अंजाम दिया। इंदौर में करीब 15 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। We'll be right back.